हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। आप लोगों की क्वेरी आ रही थी कि मैम ऐसी स्पेशलिस्ट की डेली लाइफ कैसी होती है दुबई में, उस पर वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा चलिए इस टॉपिक पे पहले बात कर लेती हूँ। तो आज मैं बताऊंगी कि यहाँ पे SEO स्पेशलिस्ट SEO एग्जीक्यूटिव लाइफ कैसी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इंडिया में भी 4 ईयर्स काम किया है, जॉब किया है मैंने दिल्ली नोएडा में, और मैंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब किया है। और नोएडा में भी, सॉरी दुबई में भी मुझे 1.5 ईयर्स हो गया है, एंड यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे कंपनी में जॉब किया है। तो मैं आपको एक कंपैरिजन बता दूंगी इंडिया में लाइफ कैसी है SEO की और दुबई में कैसी है, तो आपको समझने में और उसको रिलेट करने में ईजी होगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जिन लोगों ने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखे है वो प्लीज जाके देख ले। ये मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, इसमें मैं सिर्फ दुबई में जॉब के बारे में ही अपडेट दूंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और ये वाला प्लेलिस्ट फॉलो करते। तो देखिए फ्रेंड, डेली लाइफ में कुछ चीजें आपको सिमिलर मिलेंगे और कुछ चीजों में आपको डिफरेंस भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया में भी 9 आवर्स की ड्यूटी होती है, 9 to 6 और 9:30 to 6:30। मैक्सिमम कंपनी में 9 to 6 ही होती है वर्किंग टाइम, जिसमें 1 आवर की ब्रेक मिलती है और मोस्टली सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इंडिया में, क्योंकि मैंने जितने कंपनी में काम किया था उसमें सैटरडे संडे ऑफ था। और दुबई में क्या है, दुबई में भी आपको 9 आवर्स की ड्यूटी होती है, चाहे तो 9 to 6, 9:30 to 6:30, वो डिपेंड करता है कंपनी पे, बट मोस्टली 9 to 6 होता है, जिसमें 1 आवर की ब्रेक मिलती है बट सैटरडे ऑफ नहीं मिलती है। मैक्सिमम कंपनी में नहीं मिलती है, संडे ही ऑफ मिलती है। तो आपको एक दिन 6 डेज वर्किंग होता है यहाँ पे। ये तो हो गई वर्किंग टाइम की बात। अब आते हैं जब आप ऑफिस जाते हैं मॉर्निंग में, आप अपने डेली रूटीन करने के बाद जब आप ऑफिस जाते हैं तो सेम आप पंचिंग करते हैं, अटेंडेंस जो कहते हैं, अटेंडेंस करने के बाद आप अपने वर्क प्लेस में बैठते हैं, सबसे गुड मॉर्निंग विश करने के बाद जो भी है, ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करते हैं, जो भी आपके एज ए SEO आपके जो भी मॉर्निंग रूटीन है, कीवर्ड की रैंकिंग चेक करना, देन पेज स्पीड चेक करना, ये सब डेली रूटीन करने के बाद आप प्रॉपर अपने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है प्रोजेक्ट की, वेबसाइट की। अगर आप दुबई में हैं तो आप अपने कंपनी में एकलौते SEO है, आपको कोई टीम नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे टीम होती ही नहीं है। यहाँ पे आप अकेले काम कर रहे होते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी वेबसाइट हो, चाहे वो कितनी बड़ी प्रोजेक्ट हो या फिर छोटी प्रोजेक्ट हो, आप अकेले ही काम कर रहे हैं। और इंडिया में क्या होता है, अगर बड़ी प्रोजेक्ट है, कोई ग्लोबली टारगेट कर रहा है या फिर कंट्री वाइज भी टारगेट कर रहा है, मेरे कहने का मतलब अगर बड़ी वेबसाइट है तो उसमें कई सारी टीम मिलकर काम करती है, वेबसाइट की URL डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टीम्स में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी टीम होती है। टीम में TL होते हैं, ATL होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, मेरे कहने का मतलब इंडिया में टीम वर्क होता है ज्यादा, और यहाँ पे दुबई में आप अकेले ही काम कर रहे होते हैं, कोई आपको टीम नहीं मिलती है। नाउ अब मैं बात करती हूँ, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं एज ए SEO, आप दुबई में हैं, आप काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि बहुत सारे गूगल्स के एल्गोरिथम अपडेट आ जाते हैं जिससे आपकी रैंकिंग डाउन चली जाती है। और जब आप अकेले काम कर रहे होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करने से क्या होगा, क्योंकि कोई सीनियर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई TL नहीं है, किससे बात करेंगे आप, किससे आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए आप किसी से डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको करना है, अगर आप दुबई में हैं, आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है प्रोजेक्ट में, रैंकिंग डाउन जा रही है, तो आपको फाइंड करना है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो सोल्यूशन भी आप ही को फाइंड करना है, चाहे आप रीड करें, चाहे आप यूट्यूब देखें, चाहे आप इंडिया में अपने कॉलिग के साथ बात करें, फ्रेंड के साथ बात करें, प्रॉब्लम आप ही को फाइंड करना है। मैं भी यही करती हूँ, मैं जब प्रॉब्लम में होती हूँ, कोई गूगल एल्गोरिथम के अपडेट आ गए, मेरे रैंकिंग डाउन जा रही है, तो मैं तुरंत सर्च इंजन लैंड खोल देती हूँ, पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, यूट्यूब चैनल देखती हूँ, और सबसे पहले तो मैं इंडिया में फोन कर देती हूँ मेरे फ्रेंड के पास। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, वो मेरा हेल्प करता है कि हाँ ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, तो मुझे सोल्यूशन खुद से ही फाइंड करना होता है, कोई नहीं है यहाँ पे बताने के लिए, ठीक है। आप किससे पूछेंगे, कोई TL नहीं है, मैनेजर नहीं है, डायरेक्ट आपके ऊपर आपके ऑनर है, ठीक है, कंपनी का ऑनर, तो आप ऑनर से जाके तो नहीं पूछेंगे ना कि सर ये प्रॉब्लम है, उनको भी ऐसी कहाँ पता है, ठीक है।
और इंडिया में अगर सेम इशू होता है तो आपके पास डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वहां पे हायरार्की फॉलो होती है, आपके पास टीएल एटीएल असिस्टेंट मैनेजर सब लोग हैं, आपके सीनियर से आप बात कर सकते हैं और एक बेटर सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे दुबई में और इंडिया में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है एंड अभी भी कर रही हूँ। नाउ फोर्थ डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस में मैं बोलूंगी वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, वर्क एनवायरनमेंट दुबई से ज्यादा इंडिया में अच्छा है। कैसे, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं इंडिया में थी तो बहुत सारे टास्क होते थे। कैसे, जैसे फ्राइडे में फन फ्राइडे में आपके साथ कुछ गेम्स, कुछ सिंगिंग कंपटीशन, कुछ ऐसे कुछ टास्क हो जाते थे जो एचआर की तरफ से ऑर्गेनाइज होती थी। ठीक है, एचआर डिसाइड करते थे कि इस फ्राइडे को ये वाला गेम खेलेंगे सब लोग, ये वाला टास्क करेंगे सब लोग। वो क्यों होता था, क्योंकि एक माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए, ताकि एक सब लोग इकट्ठे हो, एक गेट टुगेदर, सब लोग एक साथ एक टास्क करेंगे, इन्वॉल्वमेंट, टीम इन्वॉल्वमेंट के लिए होता था वो, एक रिलैक्स के लिए, माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए। क्योंकि एवरी टाइम काम काम काम, इट्स नॉट अ गुड थिंग्स। ठीक है, माइंड को रिफ्रेशमेंट की भी जरूरत है। सो बहुत सारे टास्क होती थी, कभी कोई सिंगिंग डांसिंग गेमिंग, तो ये बहुत अच्छा था। अब दुबई में ऐसा कुछ नहीं है, दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई में सिर्फ आप मॉर्निंग में जाते हैं, आपको एक घंटे की लंच मिलती है और 6 बजते ही आप रूम पे आते हैं। उसके अंदर आपके साथ कोई भी टीम इन्वॉल्वमेंट, टीम तो है ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, और आपके साथ कोई भी गेम या फिर आपके कुछ भी अदर एक्टिविटीज नहीं है। ठीक है, काम के अलावा कोई अदर एक्टिविटीज नहीं है यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है क्या डिफरेंस है डेली लाइफ में, दुबई के लाइफ में और इंडिया के लाइफ में। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाया है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। मे बी मेरे एक्सपीरियंस के साथ आपके एक्सपीरियंस, आपके जो लाइफ है डेली लाइफ है वो ना मिले, जो लोग दुबई में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग डेली लाइफ होती है, अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं। अब तक के मैंने जितने कंपनी में काम किया है मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ऐसे न्यू चीज़ें जानने के लिए, एसईओ के बारे में जानने के लिए, दुबई की लाइफ कैसी है, क्या होता है, ये सब आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत जल्द मिलते हैं और न्यू टॉपिक के साथ। और हाँ, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप लोगों को बाय बाय, थैंक यू।